नेक्स्ट स्लाइड की तरफ गए पार्ट थर्ड। ये सारा जो भी है ना हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आज फेब का एनडीए रहेगा। कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल, अब फेस्टिवल से, अब जो बच्चे देखिए जो एनडीए में नहीं है, फेस्टिवल से क्वेश्चन है, ठीक है। पर्पल फेस्टिवल कहां पे हुआ? करण। पर्पल फेस्टिवल पहली बार भारत में हुआ और ये गोवा में कहा हुआ? गोवा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये जो क्वेश्चन लिख रही हूँ ये प्रूव लिखिए, 100% आ सकते हैं, ये करंट अफेयर्स ही है, ठीक है। ये 2023 के करंट अफेयर्स है। पर्पल फेस्टिवल हेल्ड इन गोवा। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया में एक फेस्टिवल इनॉग्रेट इंडिया ने मिलकर मनाया, साउथ कोरिया में किन बोलो फेस्टिवल? मैंगो फेस्टिवल पीयूष गोयल ने मनाया, मैंगो फेस्टिवल पीयूष गोयल ने इनॉग्रेशन किया, तो किससे? पीयूष, ठीक है। कलिंगा फेस्टिवल चार्ट बनाइए जो नए बच्चे हैं। कलिंगा फेस्टिवल ये लिटरेरी फेस्टिवल है, कलिंगा ओल्ड गेस्ट नेम आर बाई न्यू नेम ऑफ कलिंगा, मैंने नए बच्चों से पूछा था अभी परसों तक करवाया है, कल करवाया है। ओडिशा, आपको एक बड़ी अच्छी बात पता चलेगी, ये देखो ये भारत है, नेशनल एंथम देखो कितना प्यारा बनाया गया है। सिंध, यहाँ सिंध अब पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। सिंध गुजरात की तरफ से था, सिंध पंजाब गुजरात मराठा द्रावड़ द्रावड़ ये द्रावड़ उत्कल, उत्कल किसको? ओडिशा को कहा गया उत्कल, ये वाला पोर्शन उत्कल पंगा। सिंध पंजाब गुजरात मराठा द्रावड़ी उत्कल बंगा, ये नेशनल एंथम है भारत का। बंगा मीन्स बंगाल, ठीक है। हम सिंध से शुरू हुए हैं कहां तक? बंगाल तक। नेशनल एंथम हम पता चला, फैक्ट कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी पता चलते हैं, मैंने क्यों नहीं पता चलते। यहाँ देखो, नीचे देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने फिर से इसमें ऐड किया बुकर प्राइज इंटरनेशनल, किसको मिला है? शिहान कर्णातिलका को, कल भी पढ़ाया था। किसके लिए? बुक द सेवन मून ऑफ माली आलमेडा, ये पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, सेवन मून ऑफ माली किसने लिखा और इसने कौन सी बुक जीती, ठीक है। कल आज मैं 100% आपका टेस्ट बनाऊंगी, ठीक है। कल आप तैयार होके आइएगा, कल से टेस्ट हो, ठीक है। उसके बाद गीतांजलि श्री टूम ऑफ सैंड, टूम्ब ऑफ देखना कोई खिला खुला हुआ तो नहीं, टूम्ब ऑफ सैंड ये आप लिखो बच्चा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आ चुके हैं एग्जाम में, गीतांजलि श्री ने कौन सी बुक लिखी है और उसको पहली भारतीय। अब यहाँ पे देखो, फिर से मैं रिपीट करवा रही हूँ आपके पास, फिर से अंकल के तो मुंह में आ गया, ठीक है। मैं रिपीट करवा रही हूँ एक, अब बुक से ना तो दोबारा से रिपीट पे आ रहा है, नहीं है करवा रही हूँ, ठीक है। बुक कर प्राइस जो नए बच्चे हैं देखिए, फर्स्ट पहला, ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल बुक, आप सुनो बच्चा, ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। पहली फीमेल कौन थी भारतीय जिसको दिया गया था? अरुण दत्ती रॉय, अरुण दत्ती रॉय। गॉड्स कौन सी? ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब कभी कभी ये बुक भी आती है, पूछा जाता है इस बुक को किसने लिखा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप फेस्टिवल लेके चलो, बुक से नाथुर लेके चलो, ये मेरे दिमाग में इतनी बार आ रही है कल से। आईने अकबरी, पहले ये कर लो, ये एक बार भी नहीं मैंने करवाई, आईने
ये कर लो, ये रहा जो रह जाएगी अबुल फैजल। ये अकबर का कोर्ट पोएट नहीं था, ठीक है? ये अकबर का एक फ्रेंड था जिसने ये बुक लिखी, कोर्ट पोएट रहीम था। कौन था? रहीम। आईने अकबर ही लिखी अबुल फैजल। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, मेडिवल हिस्ट्री जो एनडीए में पूछी जाएगी उनमें से क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बाद में आते हैं। बाबरनामा किसने लिखी? बाबर कहां से आया था? बाबर तो सारी बी ए बी ए आर है, बी ए बी यू आर, बी ए बी यू आर। बाबर कहां से आया था भाई? अफगानिस्तान से आया था, मुझे भी पता है। और कोई है जिसको, जिसने तैयारी की है? बिलाल। बाबर कहां से आया था? ईरान से। भाई गलत आंसर नहीं दिया। बाबर फरगाना से आया था, फरगाना उज़्बेकिस्तान अब कहते हैं। अब वहां पे क्या लेने गया था? घर वहां से तो लेने नहीं आया था, वहां तो कुछ नहीं मिलता था, वो लैंड लॉक कंट्री थी। एक मिनट, ये लैंड लॉक कंट्री थी, वहां पे तो कुछ भी नहीं था। अब यहाँ से मुगल आए, यहाँ से कौन आए? मुगल भारत में आए कहाँ से? फरगाना से। 13 इयर्स का था जब इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, इसको बाहर निकाल दिया और उज़्बेकिस्तान आज फरगाना का नाम है। ये क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है? बाबर जो है, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, इसकी वाइफ थी गुलबदन बेगम, ठीक है? अकबर की जो आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फैजल। राष्ट्रंगनी किसने लिखी? कल्हाना ने। कश्मीर के बारे में अगर कोई बुक है वो कौन सी है? नीलमा पुराण और राष्ट्रंगनी, ये किसने लिखी? कल्हाना ने। वो दूसरी कौन सी है? नीलमा पुराण। राष्ट्रंगनी होगी। हरिशा की बायोग्राफी का नाम बाना भट्ट ने लिखी, जो बाना भट्टा इज द कोर्ट पोएट ऑफ हरिशा। हरिशा चरित्रा किसने लिखी? बाना भट्ट। दूसरी बुक बाना भट्ट ने कौन सी लिखी? कदम्बरी। यह करण है, ठीक है? आप तृतीय करण बन गई है। कदम्बरी भी भाना भट्ट ने लिखी है। कदम्बरी किसने लिखी है? भाना भट्ट ने। गीत गोविंदा, गीत गोविंदा जयदेव ने लिखी है। किसने? जगन्नाथपुरी लिखा है, ये उस टेंपल में गाया था। गीत गोविंदा, तुझे जाना कितना टाइम हो गया? मैम को आ रहा है, इसको जाने दो, धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकलो, इसको जाने, ठीक है? गीत गोविंदा जय देव। अच्छा, ये जो है ना इनकी लौट के एक बार शुरू आती गुलामगिरी, कारण गुलामगिरी। बिना शोर के भाई, डोंट मेक नॉइज, और वीडियो में लोग की नहीं देखेंगे। गुलाम गिरी, ज्योति बाई फुले, ज्योति राव फुले, ज्योति राय फुले ने गुलाम गिरी लिखी। उसको ऑन करो भाई, वीडियो को, वीडियो चलने दो, कोई बात नहीं। तारीफ,
ठीक है। गुलामगिरी किसने लिखी? ज्योति बाई फूले ने। यार देखो इधर भाई, शोर नहीं डालो, बिना शोर के भी क्लास होती है। मुंह निकाल दे यार, टॉपिक दे यार।